गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज ग्रामर में सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका हेडिंग है नाउंस। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे जो पिक्चर्स और उनके जो वर्ड्स दिए गए हैं जो आप देख रहे हो, ऑल दीज वर्ड्स आर नेमिंग वर्ड्स। ऊपर दिए गए ये सभी वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स हैं, जैसे डॉग, टेबल, मैन, गर्ल, ये सभी वर्ड्स जो हैं नेमिंग वर्ड्स हैं। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउंस। नेमिंग वर्ड्स को नाउंस कहा जाता है। जो किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग के नेम को बताता है। जैसे पर्सन में मैंने कोई नेम ले लिया, जैसे बॉय, गर्ल। इसी तरह एनिमल में कोई नेम, जैसे कैट, डॉग। प्लेस में कोई नेम, जैसे जू, स्कूल। थिंग में कोई नेम, जैसे टेबल, चेयर। फीलिंग में कोई नेम, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, फ्रेंडशिप। तो ये सभी नाउंस हैं। बॉय, गर्ल जो एक पर्सन का नेम बता रहा है, कैट, डॉग जो एक एनिमल का नेम बता रहा है, जू, स्कूल जो एक प्लेस का नेम बता रहा है, और टेबल और चेयर जो एक थिंग का नेम बता रहा है। इसी तरह ऑनेस्टी जो एक फीलिंग नेम है, ऑनेस्टी, ब्रेवरी। तो ये सभी नाउंस है। तो हमने पढ़ा कि नाउंस जो किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग के नेम को बताता है उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन जो एक नेमिंग वर्ड होता है, किसी भी नेम को हम, किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन कहते हैं। जैसे ऊपर दिए गए एग्जांपल, जैसे डॉग जो एक एनिमल नेम है, टेबल जो एक थिंग नेम है, मैन, गर्ल, मैन और गर्ल जो एक पर्सन नेम है। ऐसा हमने पढ़ा कि जो किसी पर्सन, एनिमल, थिंग, प्लेस और फीलिंग के नेम को बताता है उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे डॉग जो एक एनिमल नेम है, टेबल जो एक थिंग नेम है, मैन और गर्ल जो एक पर्सन नेम है। तो ये सभी नाउन्स हैं। हम अपनी आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वह सब नाउन हैं। जैसे हम अपने आसपास ट्री देखते हैं, हाउस देखते हैं, स्कूल देखते हैं, बुक, पेन, चेयर, टेबल, ये सभी नाउन्स हैं। किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन कहते हैं। अब एक्सरसाइज 1 देखिए। अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए सेंटेंस मे हैव मोर देन वन नेमिंग वर्ड, वन हैज बीन डन फॉर यू। नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उन सेंटेंसेस में आपको नाउन्स को अंडरलाइन करना है। किसी भी सेंटेंस में एक या एक से अधिक नाउन्स हो सकते हैं, जिसमें एक किया गया है। क्वेश्चन नंबर ए देखिए। द टाइगर इज हंग्री। इस सेंटेंस में टाइगर को अंडरलाइन किया गया है क्योंकि ये एक एनिमल का नेम बता रहा है। हमने पढ़ा कि जो किसी पर्सन, एनिमल, थिंग, प्लेस और फीलिंग के नेम को बताता हो उसे हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ टाइगर जो एक एनिमल का नेम यहाँ है, तो टाइगर एक नाउन है। इसी तरह बी नंबर देखिए। द बॉयज गो आउट टू प्ले। इस सेंटेंस में बॉय जो एक पर्सन का नेम बताया जा रहा है, इसलिए बॉयज जो है वो नाउन है, तो इसे हम अंडरलाइन करेंगे। अब डी नंबर देखिए। द गर्ल्स गो टू स्कूल एवरी डे। इस सेंटेंस में गर्ल्स जो पर्सन का नेम है और स्कूल जो एक प्लेस का नेम है, तो ये दोनों नाउन्स हैं क्योंकि हमने पढ़ा कि जो किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और प्लेस और फीलिंग के नेम को बताता है उसे हम नाउन कहते हैं। तो गर्ल्स जो एक पर्सन का नेम है और स्कूल जो एक प्लेस का नेम है, इसलिए ये दोनों नाउन्स हैं। इस तरह आप एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करोगे। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। एक्सरसाइज 2। राइट डाउन द नेम्स ऑफ थिंग्स इन योर क्लासरूम। आप अपने क्लासरूम में जो जो थिंग्स देखते हो उन थिंग्स का यहाँ पे आपको
नेम्स लिखना है। जैसे आप चौक देखते हो अपने क्लासरूम में, बेंच देखते हो, डेस्क देखते हो, डस्टर देखते हो, तो आप अपने क्लासरूम में जो जो थिंग्स देखते हो उन थिंग्स का यहाँ पे आपको नेम्स लिखना है। अब नेक्स्ट है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ थिंग्स इन द स्ट्रीट यू ट्रैवल। आप जिस स्ट्रीट पे ट्रैवल करते हो, आप ट्रैवल करते हो तो स्ट्रीट में क्या क्या चीज़ें देखते हो उन चीज़ों के यहाँ नेम लिखना है। जैसे आप हाउस को देखते हो, ट्री को देखते हो, तो आप यहाँ उन चीज़ों के नाम लिखोगे जो आप स्ट्रीट में देखते हो। नेक्स्ट है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ थिंग्स इन द प्लेग्राउंड वेयर यू प्ले। आप खेलने के लिए जिस प्लेग्राउंड में जाते हो तो आप उस प्लेग्राउंड में क्या क्या चीज़ें देखते हो वहाँ, यहाँ आपको उसका नेम्स लिखना है। नेक्स्ट है, राइट थ्री सेंटेंसेस इच कंटेनिंग द नेम ऑफ ए पर्सन। आपको तीन ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं जिसमें एक ही पर्सन का नेम तीनों सेंटेंसेस में आए। जैसे आप फादर के बारे में लिख रहे हो, जैसे माय फादर इज ए टीचर, तो ये जो पर्सन का नेम है फादर, तो वो तीनों सेंटेंस में आए, तो आपको फादर से ही ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसमें फादर जो वर्ड है वो तीनों सेंटेंस में आए। अब नेक्स्ट है, राइट थ्री सेंटेंसेस इच कंटेनिंग द नेम ऑफ एन एनिमल। यहाँ आपको तीन ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं जिसमें एक एनिमल का नेम तीनों सेंटेंसेस में हो। जैसे आप डॉग पर लिख रहे हो, डॉग के बारे में लिख रहे हो, तो आप ऐसे तीन सेंटेंसेस लिखिए जिसमें डॉग जो वर्ड है वो तीनों सेंटेंस में आए। नेक्स्ट है, राइट थ्री सेंटेंसेस इच कंटेनिंग द नेम ऑफ ए प्लेस। यहाँ आपको तीन ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं जिसमें एक प्लेस का नेम तीनों सेंटेंसेस में हो। अब नेक्स्ट पे जाएंगे, राइट थ्री सेंटेंसेस इच कंटेनिंग द नेम ऑफ ए थिंग। यहाँ तीन ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं जिसमें एक ही थिंग का नेम तीनों सेंटेंसेस में हो। अब इस तरह आप एक्सरसाइज टू को कंप्लीट करोगे। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी, प्ले नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। फर्स्ट राइट द 26 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट ऑन अ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। सबसे पहले पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों पर अल्फाबेट के 26 लेटर्स का नेम लिखना है। पुट देम इन अ बॉक्स एंड मिक्स द होल लॉट। उसके बाद उन सभी पेपर के स्मॉल पीसेस को बॉक्स में रखकर सभी को मिलाना है। ईच प्लेयर वुड पिक अप ए पीस ऑफ पेपर फ्रॉम द होल लॉट। फिर हर एक प्लेयर को उन सभी पेपर के पीसेस में से एक पेपर के टुकड़े को उठाना है। देन द प्लेयर नीड्स टू राइट ए नेम ऑफ ए पर्सन, एन एनिमल, ए प्लेस एंड ए थिंग दैट स्टार्ट्स विद द लेटर दैट ही चूज। तब प्लेयर के द्वारा चुने गए लेटर से, उसी लेटर से स्टार्ट होने वाले एक पर्सन, एक एनिमल, एक प्लेस और एक थिंग का नेम लिखना है। When a player finishes the game, he should count till 20 for the other players to finish. जब कोई प्लेयर गेम फिनिश कर लेता है तब वह दूसरे प्लेयर्स के गेम को फिनिश करने के लिए 20 तक उसे काउंट करना है। The other players should finish before the countdown ends. और दूसरे प्लेयर्स को countdown एंड होने से पहले, खत्म होने से पहले उसे गेम फिनिश करना है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर ए प्लेयर इज रिवार्डेड 10 points। प्रत्येक सही आंसर के लिए एक प्लेयर को 10 points दिए जाएंगे। इफ एनी टू प्लेयर्स गेट ए कॉमन आंसर देन 5 points वुड बी डिडक्टेड। यदि किसी दो प्लेयर्स के आंसर मैच कर जाते हैं, बिल्कुल सेम हो जाते हैं तो उन दोनों के 5 points को काट लिए जाएंगे। द वन हु गेट्स द मैक्सिमम पॉइंट्स विंस। जो सबसे अधिक पॉइंट्स
जिसे सबसे अधिक पॉइंट्स प्राप्त होगा वही जीतेगा। इस तरह आपको चैप्टर 2 कंप्लीट करना है। थैंक यू।